अस्सलाम वालेकुम बहनों, आज हम बना रहे हैं कबूली खिचड़ी। चने की दाल के चावल भी कहते हैं इसको। उसके लिए लिया है हमने अदरक, लहसुन, सौंफ, धनिया और ये रही चने की दाल। चने की दाल 1 घंटा भिगो देंगे, चावल 2 घंटे भिगोएंगे। ये सौंफ, धनिया और लहसुन और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और एक कुकर में तेल चढ़ाकर इसमें हम गरम होने के बाद प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ी सी सॉफ्ट होने देंगे। ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा काली ना हो, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसमें ये पेस्ट डाल देंगे सौंफ, धनिया और लहसुन अदरक का, और जायके के मुताबिक इसमें हम नमक लेंगे थोड़ा। और ये चने की दाल 1 घंटा भीग गई। चने की दाल हम थोड़ी सी पहले ही पकाएंगे ना, अक्सर खड़ी रह जाती है, चावल जल्दी गल जाते हैं, चने की दाल टाइम लेती है थोड़ा। इसको हम थोड़ा सा भर पका कर पेस्ट में एक सीटी ही लगा देंगे पहले। ये देखो दाल हल्की नरम हो जाएगी, पूरी नहीं गली लेकिन थोड़ी पक गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी दही डाल देंगे, दही से चावलों में जायका बड़ा अच्छा बन जाता है। और ये पानी डालकर 2 घंटा भिगोए हुए चावल इसमें डाल देंगे। पानी में एक बार नमक टेस्ट कर सकते हैं चावल डालने के बाद, हल्का नमक ज़बान पर जायका आ जाएगा। ये देखें आप, ये थोड़ा गर्म होने पर नमक चखें और एक सीटी लगने के बाद ये देखिए आप कितने जायके की चने की दाल वाले चावल, या इसको कबूली खिचड़ी भी कहते हैं, ये तैयार है। मेरी बहनों, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको आप किसी भी चटनी के साथ, दाल चटनी के साथ, सैलेड के साथ एंजॉय करें। और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।